नमस्कार, मैं हूँ योगेश राणा और आइए बात करते हैं वोटिंग के साइड इफेक्ट्स पर। वोटिंग के तुरंत बाद ही उत्तराखंड भाजपा में कोहराम मच गया। इस हाहाकार के पीछे के कारण पर बात करने से पहले समझ ले कि उत्तराखंड की भाजपा में आज तक कभी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है। इसमें खास बात यह है कि लक्सर सीट से भाजपा के उम्मीदवार संजय गुप्ता ने जिन लोगों पर खिलाफ काम करने का आरोप लगाया, चुनाव में उनको हराने के लिए काम करने का आरोप लगाया, उनमें सभासद समेत चार लोगों को भाजपा ने पार्टी से 4 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि संजय गुप्ता की बात में दम तो है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लगे आरोप पर कोई संतुष्टि के साथ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस पर कोई भी कुछ खास बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि जब जांच कराई जाएगी तो फिर जांच से पहले ही चार लोगों को निष्कासित क्यों कर दिया गया है? क्या उनसे स्पष्टीकरण मांगा है? क्या जांच पूरी हो गई है? क्या उनसे पूछा है कि तुमने सचमुच क्या संजय गुप्ता के खिलाफ काम किया है? और अगर संजय गुप्ता के खिलाफ काम किया है तो मदन कौशिक से अभी तक सवाल क्यों नहीं किए गए हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मदन कौशिक भी मीडिया से क्यों बच रहे हैं? ना तो वो किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही किसी के मैसेज का जवाब दे रहा है, और ना ही हरिद्वार में अपने घर पर मीडिया से मिल रहे हैं। पहली बात, काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा, चंपावत से कैलाश गहतोड़ी और लक्सर से संजय गुप्ता ने पार्टी फोरम पर बात नहीं रखी है। उन्होंने मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। कैलाश गहतोड़ी और हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि हमें विरोधियों के साथ साथ पार्टी के ही एक गुट से भी चुनाव में लड़ना पड़ा। यह गंभीर आरोप है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैसे सवाल तो यह भी उठता है कि भाजपा खुद को अनुशासित पार्टी बताती है, फिर उसमें इतनी अनुशासनहीनता कैसे हो गई और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए कुछ लोगों ने काम कैसे कर दिया? और अगर ऐसा हुआ भी है चुनाव के दौरान, अगर कुछ लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है, तो फिर पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इस गतिविधि पर खामोश कैसे रह गया? क्या उनको इसका पता नहीं लगा? और पता नहीं लगा तो क्या ये सूचना एक केंद्रीय नेतृत्व तक दी गई? यह भी एक सवाल है। और सवाल तो यह भी है कि इनको रोका क्यों नहीं गया और किसी की सुनी क्यों नहीं गई? क्या चुनाव के बीच में इन लोगों ने शिकायत नहीं की गई है? और सवाल एक यह भी बनता है कि क्या शिकायत करने के बाद भी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इन गतिविधियों को रोकने की स्थिति में था? दरअसल इस बार भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में खुला मैदान देने के फेर में प्रदेश के सारे बड़े नेताओं को और बड़े चेहरे को साइडलाइन कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, निशंक, अनिल बुलूनी जैसे बड़े जो नाम है, बड़े चेहरे, वो प्रचार में बहुत ज़्यादा कहीं दिखे नहीं है। इसके अलावा अजय भट्ट और पुष्कर सिंह धामी ही ज़्यादा नजर आए हैं। लेकिन आप सोचिए, अजय भट्ट के हिस्से में रुद्रपुर और काशीपुर की बगावत रोकने की जिम्मेदारी आई तो वे कई दिन तक उधम सिंह नगर में डटे रहे, रुके रहे, लेकिन दोनों ही जगह पर इंच भर भी बगावत का असर कम नहीं कर पाए। बागियों को निष्कासित करने में भी भाजपा से बड़ी देरी हुई है, इस पर भी सवाल उठे हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग प्रतिशत का गिर जाने का कारण संगठन का ठीक से काम न करना माना जा रहा है। इसीलिए संजय गुप्ता कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मदन कौशिक को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवा कर ही मानूंगा। वैसे यह तो वोटिंग के बाद का मामला है, रिजल्ट के बाद उत्तराखंड भाजपा में क्या होने वाला है इसका अंदाजा अभी लगाया जा सकता है। साफ साफ वो जो कोहराम मचने वाला है उसकी कल्पना की जा सकती है। वैसे भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का चुनाव मैदान से हटना और भाजपा को चुनाव को धामी के कार्यकाल से हटाकर सीधा ध्रुवीकरण पर लाना ही बहुत कुछ उस समय संदेश दे रहा था। मेरा मानना यह है कि चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा था भाजपा के लिए यह था कि 6 माह धामी के लिए कम है, 5 साल जनता दे, लेकिन इससे हटाकर चुनाव को ध्रुवीकरण पर ले जाया गया तो इसी से साफ साफ संकेत आने लगे थे कि पार्टी के भीतर चिंता है। अब जनता उनको चिंता में डालेगी कि नहीं डालेगी ये तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन पार्टी के भीतर तो चिंता समझ में ही आ रही थी। और ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि मदन कौशिक पर हरिद्वार जिले के कई सारे नेता बहुत गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। और एक सच्चाई यह भी है कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के गंभीर प्रयास हुए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया जो गुट उनको हटवाना चाहता था। अब यह तय है कि अगर चुनाव परिणाम भाजपा के फेवर में आता है तो सब ठीक है, और यदि फेवर में नहीं आता है तो यह तय मानिए कि बात बहुत आगे निकल चुकी है और बात बहुत आगे तक बढ़ सकती है। अब 10 मार्च के बाद
दो बातों पर फोकस रहेगा, एक उत्तराखंड में सरकार किसकी बनती है और दो उत्तराखंड भाजपा का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।